विचित्र संसार है, चलाने वाला परमात्मा, चलने वाला जीव जगत, एक नियम एक अनुशासन के तरह चलता है दुनिया। लेकिन हम नियम का उल्लंघन करें तो हमको दंड मिलता है, अगर नियम का पालन करें तो कामयाब। प्रकृति हर इंसान को आजमाता है, हर जीव को आजमाता है, मगर योग्यता है तो उसको देता है, योग्यता नहीं तो दिया हुआ चीज भी छीन लेता है। यही है प्रकृति, यही है परमात्मा का नियम। हम योग्य बने, छोटी सी एग्जाम है तो इतनी मेहनत, जीवन का परीक्षा है, आसानी से कैसे मिल सकता है। दिया हुआ चीज भी लौटा के लेके जाता है, ये प्रकृति है, संसार है, संसार बनाने वाला परमात्मा। परमात्मा की लेख में हम एक छोटी सी किरदार, हम एक नई संसार बनाते हैं, नई रूल, नई दुनिया, नई घर, और वो कुछ नया होता है। लेकिन परमात्मा की हवा चलता है, तूफान चलता है, सब कुछ ढह जाता है। ये है संसार के नियम, प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम के ही अनुसार रहना चाहिए। इंसान है, बुद्धि मिला है, बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो जो दिया है वो भी छीन के ले जाता है। ये ही है प्रकृति। एक पंडित जी रहते थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं, नौकर चकर हर वो चीज रहता था। लेकिन एक दिन पंडित जी मन में सोचे कि दान किया जाए, एक दृढ़ मन धर्म कमाने की, धर्म कमाया जाए। पूरी गांव में हल्ला मच गया, लोग सारे आ गए धन दौलत लेने के लिए, जो खाली झोली में आया वो भर के लेके गया। थोड़ी दिन के बाद धन कम होते गया, नौकर चाकर छूटते गए, अकेला पड़ गया पंडित जी। फिर कुछ दिन के बाद तो जो घर था वो भी चला गया, झोपड़ी में आके रहने लगे, लेकिन दान करना नहीं छोड़े। एक दिन ऐसा हालत हुआ कि परिवार में खाने को भी नहीं मिला। परिवार में पत्नी बोली, अभी तो आगे जिंदा रहना है तो धर्म कमाएंगे, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे कमाएंगे। तभी पंडित जी का मन में आया सही बात है, और पत्नी बोली कि हम ये जो धर्म कमाए हुए हैं उसको बेच के पहले जिंदा रहे। फिर धर्म बेचने निकल गए, चार रोटी साथ में लेके धर्म बेचने निकल गए। कुछ ही दूर में एक गांव में एक आदमी धर्म खरीद रहा है, उसको कैसे पता चलता है कि ये धर्म है और ये मूल्यवान है, इसको खरीदा जाए। उनकी पत्नी तपस्या में बैठती है, तपस्या के बाद पता चलता है कि यही मूल्यवान धर्म है, इसी को ही खरीदा जाए। पंडित जी चार रोटी लेके निकल गए, साथ में कुछ भी नहीं। थोड़ी दूर जाते ही उनको भूख लगने लगी, रास्ते में बैठे, रोटी निकाले खाने के लिए मुंह पे लिया, एक भूखा कुत्ता उसका सामने आ गया। देखा कई दिन से भूखा है, तरस रहा है रोटी खाने के लिए। वो खाने को लेके गए थे लेकिन उसको दे दिए। चारों को चारों रोटी खा के कुत्ता आराम से वहीं निकल गया, और पंडित जी भी वहीं से निकल गए। गए दरबार में खड़े हुए और मुनीब को बताया कि मैं धर्म बेचने आया हूँ। मुनीब तुरंत गया और उस पत्नी को बोला जिसकी जो आदमी धर्म खरीद रहा है। उसका पत्नी तपस्या में बैठा और कुछ देर के बाद बताया कि जो कुत्ते को चार रोटी खिलाया वही धर्म ही खरीदना है हमें, क्योंकि वही है सबसे मूल्यवान। जैसे पंडित जी सुने तो उसने बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि जो इतना सारा धन दौलत मेरा ख़त्म हुआ धर्म से वही नहीं मांगा, छोटी सी चार रोटी जिसकी धर्म क्या मूल्य होगी, उसको बेचने में कोई हर्ज नहीं, दे दिया जाए। और देने को राजी हो गए और वैसी साइज का चार रोटी बना गया। एक धर्म कांटा है, उसमें एक तरफ रोटी रखा गया, दूसरी तरफ धन दौलत, हीरा लीला मोती माणिक हर वो चीज़ रखा गया। लेकिन होरो धन दौलत कम पड़ गया वो चार रोटी के सामने, क्यों? वो धर्म से भरा हुआ था, वही है सही धर्म, ज़रूरतमंद की मदद करना। बिना ज़रूरत में लाखों रुपया दे दो वो धर्म नहीं होता। उसने फिर पंडित जी ने सोचा कि जितना भी धर्म कमाया था ये मूल्यवान चीज़ को मांगना कोई कारण होगा, उसमें उनमें लोभ है, धर्म की लोभ, उसने ना बोल दी और घर रिटर्न आ गया। रास्ते में जिस जगह कुत्ते को रोटी दिया था उस जगह थोड़ा बैठा शांति से,
भगवान का नाम लिए के सिखाने को मिलेगा, वही सोचा नहीं भगवान का ही नाम लेता रहा। दूर में एक बक्सा पड़ा हुआ नजर में आया और वहीं पंडित जी दौड़ के गए, देखे खोले तो धन दौलत भरा हुआ है। उसने सोचा कि ये लेके जाऊं या ना लेके जाऊं, फिर रिटर्न आ गए, घर को चला गया। देखा घर में पत्नी सोई हुई, उसको जाके बताया सारा चीज, सारा घटना। ऐसे में एक चोर सुन रहा था उसका छत के ऊपर, तभी उसने सोचा कि यहाँ चोरी करने से अच्छा वो बक्सा ही लेके आ जाए, उसमें से तो अच्छा पड़ जाए, ये तो पागल आदमी। तभी उसने दौड़ के आ गया और बक्सा जैसे खोला तो सांप निकला ऊपर से, तो सोचा कि वही पंडित आदमी मेरे को मारने के लिए यहाँ भेजा हुआ है, और बक्सा को पैक किया सांप के साथ और लाके उसका घर में ढाल दिया। जैसे डली गई तो पहले सांप गिरा, उसके बाद ज्वेलरी, उसके बाद सारा बक्सा बक्सा गिर के सांप वहीं मर गया। सुबह उठे पति पत्नी, देखे तो धन दौलत सारा पड़ा हुआ है, इसे देख के मन खुश हो गया। भगवान जब देते हैं सही तरीके से देते हैं, इंसान मगर रूल के हिसाब से चलता है तो भगवान निराश कभी नहीं करेंगे। बस आपको एग्जाम देना पड़ेगा आपकी योग्यता का, आपको परीक्षा देना पड़ेगा आपकी जीवन का। दुख एक अस्त्र है, प्रकृति का नियम के अनुसार हम चलना चाहिए और प्रकृति का नियम के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति है, उसको प्यार करो, प्रकृति के साथ रहो।